चंबा के महला में चंबा भरमोर एनएच 154 पर हो रहा भूस्खलन लोगों की समस्याओं का सबब बना हुआ है। भूस्खलन के कारण लोगों को चंबा आने और भरमोर जाने के लिए साथ लगती पहाड़ी को पार करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस स्थान पर भूस्खलन लगातार जारी है, जिस कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महला के लोकल है, हमें चलने में कितनी दिक्कत हो रही है, जैसे कि यहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई है, हमें तो चलो हम लोकल यहाँ के आ जा सकते हैं, जिनको इमरजेंसी है उनको भी कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। कई मतलब जैसे लोग हैं वो भरमौर साइड के, हिलिंग रोड है हमारा एक ही है, तो कहीं से आ जा नहीं सकते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट बीमार हो रहा है, इमरजेंसी का है, तो उनकी तो ऑन द स्पॉट उसके वजह से ही डेथ हो जाएगी। उनको ऊपर इतनी चढ़ाई है और लैंडस्लाइडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और मैं यही चंबा के DCG से अनुरोध करती हूँ कि कृपया एक बार यहाँ आके देख ले कि लोगों की क्या हालत हो रही है और कैसे लोगों को कितनी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और हम तो चलो हम तो आए हैं टीनेजर, हम तो कर सकते हैं, पर जो ओल्ड एज है बेचारे उनको भी कितनी दिक्कत हो रही है। भगवान ना करे अगर गलती से उनका पैर वगैरह स्लिप हो गया तो बस बेचारे ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। तो कृपया करके मैं DC महोदय से अनुरोध करती हूँ, कृपया करके हमें जो है सुविधाएँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करें ताकि हमें आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। जो ब्लास्टिंग हुई है उस ब्लास्टिंग की वजह से ही इस रोड का नुकसान हो रहा है, और आप भी कई बार 2-3 महीनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और विभाग से प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं कि ऐसा काम मत करो। उसके बावजूद भी इन्होंने जो ब्लास्टिंग की वो बिल्कुल गैरकानूनी थी, क्योंकि लोगों की सुविधा को देखते हुए हमारे भरमौर होली कंस्टिट्यूंसी, भरमौर पांगी भरमौर कंस्टिट्यूंसी के लिए जो रास्ता है, ये रास्ता मेन एक महला से होकर ही जाता है, और इससे पीछे हजारों के हिसाब से आबादी है जो कि ट्रैफिक पर ही निर्भर करती है। और ये जो इन्होंने प्रधान जी ने कदम उठाया है सराहनीय कदम है। यहाँ पर एक महीना पहले भी एक बाइक गिर चुकी थी और 2 दिन पहले HP 46 नीचे मैंने गाड़ी देखी जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और उसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अगर इन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो कोई नुकसान हो सकता था। तो मैं माननीय महला पंचायत के उप प्रधान जी का बार बार समर्थन करता हूँ कि इन्होंने लोगों के हित को देखते हुए जो मुद्दा उठाया बहुत सराहनीय है। इसके लिए हम माननीय प्रधान जी के बिल्कुल सहयोग दे रहे हैं कि ऐसे मुद्दे बार बार पब्लिक के हित के लिए मुद्दे उठाना चाहिए, और हम सरकार से और विभाग से भी अनुरोध करते हैं कि इसको देखते हुए, लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए, पहाड़ी क्षेत्र में कई लोग नहीं आ जा सकते हैं, कोई गर्भवती, कोई बीमार, कोई ऐसे आदमी जो इस रास्ते नहीं आ जा सकते, शीघ्र इस रास्ते को खोला जाए ताकि लोगों को आना जाना सुनिश्चित हो। वहीं पिछले कल इस विषय को लेकर भरमौर विधायक जियालाल की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा की गई थी, जिसके बाद आज भरमौर के विधायक जियालाल कपूर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा रास्ते को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है और आज शाम या कल तक सड़क को शुरू कर दिया जाएगा। ये जो स्लाइड हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, और जो जो जमीन धस रही है जिससे कि बहुत खतरा तो है ही, तो हमने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला के या इसके ऊपर पानी डालेंगे, और जो स्लाइड होने वाला वो अपना नीचे हो जाएगा। आज साइड पे मैं भी आया हूँ, अनुजी मेरे साथ हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं। हमने मौके पर जाके इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि शोर मचा हुआ है, और बहुत जल्दी ये रास्ता जो 1-2 दिन में हम ठीक कर देंगे। जो घरों को समस्या थी उसके बारे में क्या? कल डी साहब ने आदेश किए थे कि इनको किसी सुरक्षित स्थान पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, और जो इनके जानवर हैं गाय वगैरह भी हम उनको ले जाएंगे, और अगर बाई चांस इनका घर भी स्लाइड हो जाता है तो हम उनको उचित मुआवजा देंगे जो सरकार देती है। मैं कुछ लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस जगह पर राजनीति, क्योंकि ये सबका काम है और जानबूझ कर तो हमने ये किया नहीं है। जब सड़क चौड़ी होगी तो कहीं ना कहीं स्लाइड तो हो गई, तो चंबा से लेकर अगर रोहन साहब को नज़र मारे तो कई जगह स्लाइड हो रहा है, और इसका इलाज है बहुत जल्दी, हम इसका इलाज करेंगे। मोर के लोग हैं, नॉन ट्राइबल के लोग हैं,
मान लो कोई बीमार है, मरीज है, उनको चंबा पहुँचना या कोई बच्चे जिनमें पेपर देना, किसी का इंटरव्यू है, हमें वो प्रयास करना चाहिए कि हमें रास्ते को खोलें कैसे। इसलिए आज हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि शाम तक हम इस रास्ते को खोलें। स्वास्थ्य सेवाएं क्या उस तरह की उपलब्ध कराई जा रही है? हाँ, एक डॉक्टर हमने भरमौर से भी ऑर्डर किए हैं, वो चूड़ी दरवाला में बैठेगा, और मैंने सीएमओ साहब से बात की कि एक डॉक्टर चंबा से भी जाएगा जो दरवाला में बैठेगा।